गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें अब तक हमने देखा कि ओम थानवी जी ने हमें मोहनजोदड़ो का परिचय प्रदान किया, नगर की रचना का विवरण प्रस्तुत किया, बौद्ध स्तूप का जो संरचना है उसके बारे में बताया, तथा सिंधु घाटी में कौन सी खेती और व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त अब आगे हम बात करेंगे वहाँ पर प्राप्त महाकुंड का स्ट्रक्चर। तो महाकुंड के आसपास क्या है या महाकुंड का स्ट्रक्चर कैसा है? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में भी एक भग्न इमारत है, भग्न यानी खंडित, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा, ये सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है, इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्व वेत्ताओं के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बन गए हैं। जैसे दीक्षित काशीनाथ का नाम है तो उसको डीके हल्का बोल दिया गया, अर्थात दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। अब डीके हल्के में क्या है? डीके के नाम पर दो हल्के हैं, यानी दो क्षेत्र हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है, शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट पर यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, अब तो आधा मील बची हुई है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं है, उनके दरवाजे अंदर गली में हैं। मुख्य सड़क की ओर पीठ है, किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ समांतर ढकी हुई गलियां हैं, हर घर में स्नान घर है। खुली नालियां भीतर बस्ती में भी नहीं है, मतलब वहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है कि स्नान घर और खुली नालियां भी नहीं है। घर का पानी पहले घर की होदी में आता है, फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं, बस्ती में कुएं हैं। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं, अर्थात इसे एक तरह से कहा जाए तो जल सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी की यह सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है। अब अगला है दूसरा, डीके जी हल्का। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, शायद यहाँ दो मंजिले मकान रहे हो। कुछ दीवारों में छेद भी है, जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि शायद यह शहतीर के छेद हो, मतलब ऊपर की भवन के निर्माण के लिए उनको छोड़ा गया हो। सभी घर 1:2:4 की भट्टी की पकी ईंटों से बने हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग नगण्य है, मतलब पत्थर का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, ईंटों से ही उनका निर्माण किया गया है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं, अधिकतर 30x30 फुट के हैं, कुछ इनसे दुगने व तिगुने आकार के भी हैं। वास्तुकला प्रायः सभी की एक जैसी है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है, इसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं। छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्रायः छोटा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शहर की आबादी ज़्यादा रही होगी। छोटे घरों में छोटी और संकरी सीढ़ियां हैं, जिनके पायदान ऊंचे हैं, शायद ये जमीन की तंगी के कारण हो। घरों की खिड़की व दरवाज़ों पर छज्जे नहीं हैं, नगर के चिन्ह भी नहीं मिले। लगता है उस काल में बारिश खूब होती थी।
कुओं की अधिकता थी, कभी पानी के अभाव में इलाका उजड़ा होगा। अब आगे लेखक को राजस्थान की याद आती है, उसके बारे में बता रहा है कि मोहनजोदड़ो की गलियों व घरों को देखकर लेखक को राजस्थान याद आता है, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना या वातावरण या पर्यावरण कैसा है, राजस्थान के जैसा। ज्वार बाजरे की खेती व बेर तो समानता के कारण है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी तो मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली करके चले गए थे। पीले पत्थरों से बना यह सुंदर गांव अपने वाशिंदों की मानो आज भी प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई देता है। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली, कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। अब बात करते हैं जॉन मार्शल की पुस्तक के बारे में। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा विशद प्रबंध छपवाया था, यानी बड़ा ग्रंथ छपवाया था। उसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने वाले तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा यानी निरंतर चलने वाली परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए लगे हुए हैं, परवर्ती हैं, अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए काम कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अजायब घर खंडहरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। अजायब घर कहलाता है म्यूजियम। ये किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें जो है वो कहाँ पर है, कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। मतलब यहाँ से जो चीज़ें निकली वो कहाँ कहाँ पहुँच गई, कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के म्यूज़ियम में। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, जो पंजीकृत चीज़ें हैं, उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हैं वो पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। उसमें क्या क्या चीज़ें मिली, काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मणकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ पर हुआ करते थे जो चोरी हो गए। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ हथियार कोई भी नहीं है। लगता है इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था, शायद कोई सैन्य सत्ता भी यहाँ पर नहीं थी। सांस्कृतिक धरातल पर इस सभ्यता में सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता थी, मतलब न तो ये राजपोषित था न ये समाज पोषित था, शायद ये धर्म पोषित था या समाज पोषित था, ये अभी तक हमें पता नहीं है। सांस्कृतिक धरातल पर इस सभ्यता में सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता देखने को मिलती है, अतः यह सभ्यता दूसरे सभ्यताओं से भिन्न थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, इस संस्कृति में न तो भव्य राज प्रासाद हैं, यानी बड़े बड़े राजा के महल भी नहीं मिले, न मंदिर हैं और न राजाओं और महंतों की समाधियाँ देखने को मिली, इसलिए न तो इसे राजपोषित कहा जा सकता न धर्म पोषित कहा जा सकता। यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। यहाँ से जिस राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है उस नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है, नावें भी छोटी है। यह लोग लघुता में भी महत्ता का अनुभव करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इसमें भव्यता व आडंबर का यानी दिखावे का अभाव रहा है।
इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने का एक कारण इसकी अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि है। मतलब यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें मिली है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक लिखता है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप, सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्व वेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, मतलब उसकी सुंदरता है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अजायब घर में तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली है, जिनमें एक तो 2 इंच लंबी है, ये शायद कशीदाकारी के काम आती हो। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला, मतलब कशीदाकारी वाला दुशाला है। खुदाई में हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। इसके समापन में बताया है कि सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। पानी के रिसाव से शार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, यानी खार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब तो इन खंडहरों को बचाना भी एक समस्या है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता भारत की विकसित प्राचीन गौरवमयी सभ्यता का उल्लेख हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।